उमरिया में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे मंत्री जायसवाल ने खनिज की नई नीति पर बोलते हुए पिछली सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में रेत की नीलामी का पैसा न तो पंचायत के खाते में जमा हुआ और न ही सरकार के खाते में, पूरा पैसा शिवराज सिंह और उसके रिश्तेदारों ने डकार लिया। मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा के शासनकाल में खनिज विभाग का कार्यालय बिना खिड़की दरवाजे के मकान में बना दिया गया था, जहां से कोई कुछ भी चुरा कर ले जा सकता था, लेकिन अब चोरी के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। नवंबर की 26 तारीख में होने वाले रेत की नीलामी में प्रदेश सरकार को 800 करोड़ रुपए मिलेंगे। साथ ही उन्होंने सोना, बॉक्साइट और हीरे की खदानों की नीलामी में प्रदेश सरकार को 60,000 करोड़ राजस्व मिलने का अनुमान जताया। सरकार के खाते में पैसा गया ना, पंचायत के खाते में पैसा गया, पूरे मध्य प्रदेश के खनिज का पैसा हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके भाई हैं, रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े नेता, उनकी जेब में गया 15 सालों में। अभी हमने जो नीति बनाई है, हमने चोरी के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए हैं।